गुड इवनिंग एवरीवन वेरी वेलकम टू नेट जेर सोलिस्ट फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का तो कल ज्योग्राफी की क्लास अपनी हम लोगों ने एंड की ठीक है आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं पेपर वन ठीक है ना पेपर वन आज से शुरू हो रहा है और आज से ही हमारा जो रिवीजन का पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा यूनिट वाइज पेपर वन वो हम लोग करने वाले हैं ठीक मैंने कुछ जैसे यूनिट्स हैं उनको डिसाइड किए उनको मैंने पहले पढ़ा फटाफट पढ़ा दूंगा मैंने बहुत कुछ डिसाइड किया है आपके आने वाले एग्जाम तक ये पेपर वन की क्लासेस यहाँ पर चलती रहेंगी ठीक है उम्मीद करता हूँ कि प्रीवियस क्लासेस की तरह इन क्लासेस में भी आप अपना जो जो प्यार है आप लोग बनाए रखोगे और ऐसे वीडियोज को लाइक करते रहेंगे क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है इस चैनल पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए यहां पर हमारी क्लासेस होती हैं पेपर वन आज अपना आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है ठीक सारा कुछ एक वीडियो में कवर कर पाना इट्स लाइक इम्पॉसिबल सागर में गागर वाली चीज हो जाएगी तो मैंने डिसाइड किया है कि क्यों ना मैं क्लास टू क्लास कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट में चीजों को चेंज करता रहूं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली कंप्यूटर के जेनरेशन्स को प्लस आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो कंप्यूटर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह देखने को मिलते हैं ये दो मेजर कंपोनेंट आज हम लोग आज के क्लास में कवर करेंगे ठीक है इसके बाद हम लोग मेमरी की क्लासेस करेंगे यानी कि जो कंप्यूटर की मेमरी होती है वो हम लोग कवर करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स में आप लोग को पढ़ाऊंगा जिससे कि आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाए एग्जाम तक में आपको कंप्लीट मिल जाए इसके बाद हम लोग करेंगे जो करंट अफेयर बेस्ड हो सकता है जो एप्लीकेशन वगैरह हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पहले कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फिर हम करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे ठीक है चलो सब लोग आ गए हैं अरे हाँ वही गागर में सागर समझ गए आप है ना चलो शुरू करते हैं आज की क्लास ठीक है पेपर वन रहेगा आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ओके तो हमेशा की तरह आप लोग की क्लासेस लाइव हो चुकी हैं और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अकेडमी पे भी इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल नेट जरब सोल्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी ठीक है जो चीज पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ आप लोगों को दे दिया जाएगा राइट और इसके अलावा अलावाडमी पे हमारी स्पेशल क्लासेस होती हैं, दो टाइम है इस वक्त स्पेशल क्लासेस का 12 पीएम पे क्लासेस हो रही हैं और 3 पीएम पे क्लासेस हो रही हैं। ये आपकी ज्योग्राफी वाली क्लास है ठीक है वही जो 3 पीएम वाली क्लास है ये पेपर वन की क्लास है यानी कि दोनों क्लासेस आपको एक ही दिन मिल रहे हैं ठीक है दोपहर बारह बजे और दोपहर तीन बजे आपको ये देखने को मिल जाएगा ओके okay? चलो शुरू करते हैं आप हमारी ये वाली क्लासेस कर सकते हैं पे इनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है ये कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है पे जिसमें जिसको मैंने कि फ्री प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाया हुआ है ठीक है आप इसे कभी भी देख सकते हो एनी टाइम इसकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो ठीक है तो चलो शुरू करते हैं आने वाली स्पेशल क्लासेस हैं ये पेपर वन की और ये पेपर टू की आने वाली स्पेशल क्लासेस है इस मंथ की नेक्स्ट मंथ की स्पेशल क्लासेस आपकी लॉन्च हो जाएंगी थर्टी को ठीक है तो इन सारे क्लासेस में जा करके इनॉल कर लीजिए आप सभी लोग ये आप लोग किया करो यहां पर जाकर के फ्री क्लासेस सब लोग किया करो ठीक है ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अकेडमी का चलिए शुरू करते हैं तो हमें आज जानना है कंप्यूटर के जनरेशन को कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में ठीक है भाई हमें आईसीटी को पढ़ना है तो शुरुआत कहां से हुई कैसे सब कुछ हुआ इसको भी समझना पड़ेगा फटाफट पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे देखिए कंप्यूटर को अगर हम देखें तो शुरुआत तो बहुत पहले हो चुका था सिक्सटीन सेंचुरी में ही हो चुका था चाइना ने जब अबेकस को इन्वेंट किया था है ना अबेकस आजकल बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको काउंटिंग वगैरह सिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम स्कूल्स वगैरह में तो यहां पर आप देखोगे इसका जो जनरेशन है वो डिपेंड करता है इसके इनोवेशन पे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनोवेशन आते चले गए और जनरेशन चेंज होता चला गया इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस तरीके के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया इसके अलावा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल किया कौन सी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है किसको बाहर करते हैं किसको अंदर करते हैं वहीं थर्ड जनरेशन को हम देखेंगे तो यहां पर किस तरीके की नई टेक्नोलॉजी को मिलती हैं जनरेशन जैसे बदलता है कंप्यूटर पहले पहले के बहुत बड़े हुआ करते थे आज जिस कमरे में मैं हूं शायद पहले इतने बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे माई गॉड अगर मैं पहले के टाइम पे ऑनलाइन क्लास लेता तो मुझे तो एक बड़ा सा हॉल बनवाना पड़ता ऑनलाइन क्लास लेने के लिए क्योंकि इतने में तो ये स्मार्ट बोर्ड और ये दो तीन लैपटॉप और दुनिया भर की लग ही नहीं पाती राइट right, तो पहले के बहुत बड़े साइज के कंप्यूटर होते थे जस्ट लाइक रूम साइज वो धीरे 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 जैसे जैसे पीढ़ियों में आगे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे उनका साइज क्या होता है छोटा होता चला जाता है स्मॉल साइज में कन्वर्ट होते चले जाते हैं आप लोग के मैसेजेस देख रहा हूं ठीक है पहले मैं शुरू कर लू फिर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड द लास्ट जो प्रेजेंट में चल रहा है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ये हम लोग कवर करने वाले हैं हां जी पांच बजे अन अकेडमी के यूट्यूब क्लास पे होती है पेपर वन का आज मैंने हायर एजुकेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे आप लोग आए थे या नहीं देख लो पांच बजे अन अकेडमी के यूट्यूब क्लास पे हुआ था क्लास कल भी होगा पांच बजे क्लास कल हम लोग हो सकता है आईसीटी करें या कम्युनिकेशन करें कुछ ना कुछ प्रैक्टिस होगा लगातार ठीक है चलो आई बात समझ में तो अब सोचो हमें जनरेशन को समझना है अब देखो जैसे ये पहले के कंप्यूटर हुआ करते थे देख रहे हो भाई साहब खड़े हैं और इनके साइज से भी बड़ा है कंप्यूटर ये देख करके यही सोच रहे हैं कि जाना कौन सी मशीन बना डाली है कंप्यूटर वगैरह में बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज है जो आप लोगों से पूछे जाते हैं फुल फॉर्म वाली क्लास करवाऊंगा यहीं पर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है ना उसकी क्लास करवाऊंगा यहीं पर टर्मिनोलॉजी जितनी पूछी जाती है उनकी क्लास करवाऊंगा यहीं पर ठीक है देखना मत भूलिएगा जरूर तो कई सारे प्रोग्राम जो होते हैं वो कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते हैं कई सारे लैंग्वेजेस बनाए जाते हैं जिन पे कंप्यूटर के एप्लीकेशन रन करते हैं उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं ठीक है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ठीक है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जो असेंबली लैंग्वेज है या मशीन लैंग्वेज है मतलब इसको कन्वर्ट करते हैं मशीनी लैंग्वेज में भाषा वो जो मैं बोल रहा हूं ये कंप्यूटर नहीं समझ सकता उसके लिए अलग से भाषा का विकास किया गया उसके लिए अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाए गए वहीं इसके अलावा असेंबलर्स वगैरह भी बनाए गए तो हम इनको जनरेशन टू जनरेशन पढ़ेंगे समझते हुए चलेंगे एक स्लाइड है मेरे पास जो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड को देखिए आप सभी लोग यहां पर सारे जनरेशन के कंप्यूटर आपको देखने को मिल जाएंगे फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो है इसमें किस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश हम करेंगे तो यहां पर देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है ओके okay, माइक निकल जा रहा है पता नहीं क्यों इस वक्त जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था वो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था ठीक है वही इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो इस कंप्यूटर की स्पीड थी वो काफी स्लोवेस्ट थी मतलब कछुए की चाल से चलती थी ऐसा समझ लो आज का कंप्यूटर सबसे फास्ट चलता है, है कि नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे फास्ट आपको देखने को मिलता है वहीं हम अगर इसके टेक्नोलॉजी को देखें आगे बढ़ते तो जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर आया था उसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करता किया गया था दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं पहला फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किस तरीके की टेक्नोलॉजी थी तो वैक्यूम ट्यूब था सेकेंड जनरेशन में किसका इस्तेमाल किया गया ट्रांजिस्टर का किया गया जब थर्ड जनरेशन की बात आती है तो ये आईसी में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट में यह कन्वर्ट हो जाता है तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में फिर हम फोर्थ जनरेशन यानी कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये आपके एलएसआई और वीएलएसआई में कन्वर्ट हो जाता है या फोर्थ जनरेशन से ही हम जो प्रोसेसर है उसको हम इस टेक्नोलॉजी को हम माइक्रो प्रोसेसर के तौर से भी जानते हैं ठीक है फिफ्थ जनरेशन जो हमें देखने को मिल रहा है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो हम देख रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है ऑल गुड गाइज मुझे बताइए क्लियर है ना हाँ हाँ देख लो भाई तो मैं बता रहा था आपको आईसी की आईसी के बाद लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एल एस आई और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यहां पर देखने को मिलता है है फिर उसके बाद आता फिफ्थ जनरेशन हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन देखते हैं ये सब क्या है ये इनके प्रोसेसर्स को बताया गया है प्रोसेसर्स क्या हो रहा है स्ट्रांग होता जा रहा है पावरफुल होता जा रहा है और कंप्यूटर का साइज छोटा होता चला जा रहा है ठीक है इसके बाद देखिए अगर हम तो यहां पर आपको स्पीड भी स्लोवेस्ट से धीरे धीरे बढ़ती हुई देखने को मिल जाएंगी यानी कि सबसे पहले हमने फास्टर स्पीड कब गेन किया फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पे तो मैं क्लास ले रहा हूं यही तो है वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर फास्टेस्ट आपका सारा ऑपरेशन बहुत ही फास्ट तरीके से करता है क्योंकि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आर्टिफिशियल एआई भी आ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी आ चुकी है जैसे आप लोग एलेक्सा वगैरह रखे होंगे या सीरी वगैरह जो आपके पास होंगे या और भी बहुत सारे गूगल का आ चुका है डिवाइसेस वगैरह है ना मोबाइल फोन में आप वॉइस चीजों को भेज सकते हो दीज आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो रोबोटिक्स में भी देखने को मिल रहा है ठीक है ओके अब अगर हम देखें यहां पर तो इनके साइज को आप देखोगे सबसे लार्ज हुआ करते थे फिर सबसे स्मॉलेस्ट हो गए फिफ्थ जनरेशन तक पहुंचते पहुंचते इंपॉर्टेंट ये नहीं है इंपॉर्टेंट है अब इनका लैंग्वेज यानी कि कौन से भाषा का इस्तेमाल किया जाता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में सिंपल मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल किए जाते थे बाद में सेकेंड जनरेशन में असेंबली फोर्ट्रॉन और कोबोल का आविष्कार हुआ ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है फिर थर्ड जनरेशन में हमने हाई लेवल बेसिक लैंग्वेज को डेवलप किया उसके बाद हमने फोर्थ जनरेशन में हाई लेवल C++ प्लस और C++ प्लस प्लस को डेवलप किया जबकि आप अगर देखोगे फिफ्थ जनरेशन में इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है पाइथन और जावा ये सारे क्या है फिफ्थ जनरेशन के क्या है कंप्यूटर के लैंग्वेजेस हैं वो भाषा जिनके जिन जिनकी कोडिंग की गई है कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग के लिए राइट तो इस तरीके से आप इन चीजों को समझ सकते हैं ठीक है ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है तो क्या क्या हमने देखा हमने देखा कि यहां पर जो लैंग्वेजेस वगैरह हैं, वो कौन कौन से हैं और टेक्नोलॉजी कौन कौन से इस्तेमाल की गई है आज का जो कंप्यूटर जनरेशन है फिफ्थ ये सबसे मोस्ट रिलायबल है विश्वसनीय है जिसके ऊपर हम काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं चलिए बात करते हैं कंप्यूटर के कंप्यूटर के ऑपरेशनल यूनिट या हम सीधा चलते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्योंकि देखो ये सब क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हो जाएंगे है ना इनको बताना कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं आप लोगों ने पढ़ाई हुआ है मैं आपको लिए चलता हूं सीधे कहां पर सीधे लिए चलता हूं मैं आपको है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये चलता हूं यानी कि वो सिस्टम जिसके ऊपर कंप्यूटर ऑपरेट होती है ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट में ओ भी बुलाते हैं इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है राइट तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो कई तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम है मार्केट में जो बहुत ही सामान्य है बहुत ही फेमस है कौन सा है एक है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज आपके पास ही नहीं दुनिया के 90% परसेंट कंप्यूटर यूजर्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं 90% परसेंट ठीक है मैं भी कर रहा हूं आप भी कर रहे होंगे हमारे जैसे स्टूडेंट टीचर्स इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं रेस्ट टेन परसेंट जो दुनिया के लोग हैं वो Macintosh या मैक ओ इसके अलावा जो सामने आप देख रहे हो इसका इस्तेमाल करते हैं ठीक है यहां पर आप देखो तो एक है यूनिक्स ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में ठीक है एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये है यूनिक्स और इसके बाद आप देखोग लिनक्स है ठीक है ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएंगे यूनिक्स क्या है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है एग्जाम में ठीक है ये भी बन के आ सकता है एग्जाम में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एक तरीके का ऐसा कंप्यूटर का सेट ऑफ प्रोग्राम होता है ठीक है थीके? इसमें क्या है कि ये यूनिक्स बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसे सिस्टम पे काम करता है जिसको हम अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ज्यादातर दुनिया के दुनिया के ज्यादातर जो कंप्यूटर के स्पेशलिस्ट लोग होते हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट लोग होते हैं वो यूनिक्स और लिनक्स बेस्ड जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं जैसे ऐसे समझिए इसको आपके पास एक मोबाइल फोन है और उस मोबाइल फ़ोन में पहले से ही एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको उस कम उस मोबाइल फ़ोन के लिए प्री डिजाइन करके रखा गया है आप उसमें कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते हैं जैसे आईफोन यूजर्स को देख लो आईफोन यूजर से पूछोगे भैया आपके मोबाइल फोन में बैक का बटन है या नहीं तो आपसे कहेगा भाई साहब ये फीचर तो एप्पल ने दिया ही नहीं है लेकिन वही एंड्रॉइड यूजर से पूछोगे तो कहेगा देखो मेरे पास तो सारे बैक तो जा सकता हूं बहुत आराम से क्या हो अगर आपके पास ये आपके पास तरीके से ऑप्शन हो कि आप उसमें उन चीजों को एड ऑन कर सकते हो ऐसे ही एड ऑन फीचर्स को एडॉन करने का ऑप्शन ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज होते हैं आप उसमें किसी भी तरीके का अपने तरफ से कोई एडॉन नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते कुछ भी नया चेंज या एड नहीं कर सकते आप जबकि यह प्लेटफॉर्म क्या होते हैं यहां पर आपको चीजों में बदलाव तब्दीलियां की जा सकती हैं 1969 में यह डेवलप हुआ था ठीक है एटीएनटी ये कंपनी थी केन थॉमसन और डेनिस डेनिस डगलस मोर्ले और जो ओसाना ने बे लैब्स में मिलकर के इसको डेवलप किया था राइट तो इस तरीके से काफी पॉपुलर हुआ ये पूरी तरीके से फ्रीली अवेलेबल है यानी कि आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इसके लिए कोई पैसे वगैरह देने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन गूगल करोगे आपको इसका पूरा सिस्टम मिल जाएगा फिर अपने अकॉर्डिंगली इसको कंप्यूटर एक्सपर्ट बदल लेते हैं लिनक्स क्या है लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी लिनक्स का फुल फॉर्म है लिनक्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्जन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इसी के अंडर में आता है लिनक्स जो वर्जन है जैसे आपका मोबाइल फोन है आपके मोबाइल फोन भी कई सारे वर्जन होंगे ठीक है वैसे ही यहां पर भी वर्जन होते हैं तो लिनक्स इसका एक वर्जन हो जाएगा एक अपडेटेड वर्जन हम कह सकते हैं जो कि बेसिकली ओपन सोर्स मल्टी टास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन सोर्स का मतलब क्या हुआ ये फ्रीली अवेलेबल है आप इसमें अपने अकॉर्डिंगली चीजों को वापस से बदल सकते हो ठीक है लीनक्स को डेवलप किया था इस तरीके के चीजों को डेवलप किया था लीनस टॉरवेल्स ने 1991 में डेवलप किया था ये कहाँ यूज होता है डेस्कटॉप वगैरह में यूज करते हैं मोबाइल में भी यूज करते हैं सबसे बड़ी बात जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे तो ये क्या हो जाएगा एक ओपन सोर्स सिस्टम हो जाएगा क्योंकि इसके जो कोड होते हैं हर ऑपरेटिंग रन करने के लिए एक की मांगता है आपका विंडोज का वर्जन जो है कई बार एक्सपायर हो जाता होगा लिखता होगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे वहां पर एक की पड़ती है वो की क्या होते हैं ज्यादातर क्रैक्ड वर्जन होते हैं लेकिन अगर हम देखें तो मार्केट में इसके ऑफ जो अथॉन्टिक सोर्सेज होते हैं वो भी मिलते हैं पेड वर्जन जिसे हम कह सकते हैं ये क्या है इनके की अवेलेबल है आप कभी भी इनको की को ऐड करके उसको इंस्टॉल कर कर सकते हो, कर सकते हो हो रन फ्री यूज है इसके लिए आपको इंटरनेट को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है अब देखिए इसके कंपोनेंट क्या हो सकते हैं लिनक्स सिस्टम के तो लिनक्स क्या है कर्नल बेस्ड है इसका कोर पार्ट क्या है कर्नल सिस्टम है क्वेश्चन पूछा गया है ये ठीक है कि कर्नेल किस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ आया है या किस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल पाया जाता है ये नोट कर लीजिएगा ये आप लोग जो है चलो आज कुछ पढ़ाई कर लेते हैं मैं हमेशा यहां पर एमसीक्यूज ही करवाता हूं तो आज लग रहा होगा सबको कि मैं अचानक से पढ़ाने कैसे लग गया यहां पे इसलिए क्योंकि पेपर वन की डिमांड बहुत ज्यादा आई थी इसलिए ठीक है इसके बाद इसमें आपको एक सिस्टम लाइब्रेरी देखने को मिलेगा ठीक है कर्नल क्या है इसको देख लेते हैं हर तरीके के मेजर एक्टिविटी जो हम कर रहे होते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये फीचर होता है ये नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा ठीक है इसके अलावा आप देखोगे यहां पर आप इस ये पूरी तरीके से जो 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 हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का पूरा जो बैलेंस है वो यहीं से आपको बनता हुआ देखने को मिल जाएगा जबकि सिस्टम लाइब्रेरी इसमें एक और कंपोनेंट होता है सिस्टम लाइब्रेरी में क्या होते हैं? या होते हैं हैं स्पेशल या प्रोग्राम जिनको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम या सिस्टम यूटिलिटी एक्सेस के थ्रू उन फीचर्स को एक्सेस करते हैं जो हमने उनमें इनबिल्ट किए हुए हैं जो हमने क्रिएट किए हुए हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं हम यहां पर एक होता है आपका यूटिलिटी सिस्टम तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तीनों कंपोनेंट लिनक्स सिस्टम के नोट कर लीजिएगा पहला है कर्नल दूसरा है सिस्टम लाइब्रेरी तीसरा है सिस्टम यूटिलिटी सिस्टम यूटिलिटी क्या है प्रोग्राम है जो होता है किसी भी तरीके के इंडिविजुअल या स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए जो आप कमांड देते हो ठीक है पहला आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेटफॉर्म दूसरा आपको एक्टिविटी दे रहा है और तीसरा आपके कमांड को देने के लिए एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ठीक है ये कुछ फीचर्स हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिनक्स के अगर कुछ हम फीचर्स की बात करें तो लिनक्स क्या है इसको आप किसी भी तरीके के हार्डवेयर पर इस्तेमाल कर सकते हैं यह ट्रांसपोर्टेबल है आप इसको लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो आप इसको पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो हार्ड जो आपके पास बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं वहां पर इंस्टॉल कर सकते हो आप जैसे चाहे वैसे इसका, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है इसके बाद देखो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इट इज ओपन टू यूज एंड डेवलपर में ऑल्सो ट्राई टू इंप्रूव लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो इसको चला रहा है वो इसमें किसी भी तरीके के चेंजेस कर सकता है कोई भी बदलाव कर सकता है जैसा वो चाहे अब मान लीजिए आपके मोबाइल फोन का रैम कितना है टू जी थ्री जीबी फोर जीबी फाइव जीबी सिक्स बहुत होगा टेन होगा क्या हो अगर फ्यूचर में आपका सारा जो मेमोरी है वो फुल हो जाए रोम तो आपका रैम क्या हो जाएगा स्लो डाउन हो जाएगा मोबाइल क्या हो जाएगा बहुत धीरे धीरे चलेगा ऐसा लगा ऐसे बूढ़ा हो गया है फोन है ना तो क्या करोगे आप वापस से सब कुछ डिलीट करो सब कुछ हटाओ लेकिन ऐसा फंक्शन हो आपके पास कि आप अपने रैम को बढ़ा सके खुद से खुद से उसमें लगा सके सारी चीजों को तो ये क्या हो जाएगा सारी सुविधाएं इसमें दी जाती है ये मल्टी मल्टी यूज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सो मल्टीपल पीपल में यूज द मॉडल सेम मॉडल को यूज कर सकते हैं लीनक्स क्या है सबसे बड़ी खासियत इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह बहुत ही सिक्योर है इसको हैक नहीं कर सकते इसमें वायरस नहीं डाल सकते कुछ नहीं कर सकते सब दुनिया का सबसे ज्यादा वल्नरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है बताओ कॉमेंट करिए वर्ल्ड मोस्ट वल्नरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया का सबसे बताओ वेटिंग फॉर रेस्पॉन्स चलो बताओ मैं बताता हूं फिर आंसर लिनक्स इज मल्टी प्रोग्रामिंग सो मल्टी प्रोग्राम आप इसमें रन कर सकते हैं साइमल्टेनियसली क्योंकि ये बहुत ही सिक्योर होता है पासवर्ड और डेटा इंक्रिप्शन इसमें बहुत ही हाई लेवल का होता है सबसे अच्छी खासियत यही होती है नहीं समझे वल का मतलब होता है जिसको हैक करना बहुत आसान हो जिसमें वायरस बहुत ईजिली हम डाल सकते विंडोज विंडोज गेट्स का बिलगेट्स ही है ना चलो इतना तो पता होगा ना चलिए इसीलिए बैंक वगैरह के सारे हैक बहुत ही आसानी से हो जाते हैं चलो ये तो बात हो गई इनकी अब देखो लिनक्स और यूनिक्स के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है लिनक्स क्या है ओपन सोर्स एंड डेवलप्ड बाय लिनक्स कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स इन लोगों ने मिलकर के डेवलप किया है यूनिक्स वाज डेवलप्ड बाय एटी बेल लैब्स में इसको डेवलप किया गया था इट इट इज इज नॉट ओपन सोर्स लिनक्स इज ओपन सोर्स इसका वर्जन है ये फ्री टू यूज है लिनक्स को लाइसेंस लेना पड़ता है सॉरी uh, यूनिक्स का लाइसेंस लेना पड़ता है लिनक्स का नहीं लेना पड़ता है ठीक है सपोर्टेड फाइल्स तो नहीं पूछे जाएंगे फिलहाल ये दो इसके बीच में बेसिक आप देख सकते हो चलते हैं नेक्स्ट और समझते हैं दूसरा दुनिया का सबसे फेमस फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट नहीं सुनते हैं आप लोग कि सर्वर हैक हो गया है सर्वर डाउन हो गया है बहुत सारी चीजें होती हैं तो वो क्या होते हैं वो ज्यादातर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज बेस्ड होते हैं इनको हैक करना ट्रोजन वायरस वगैरह जो आप लोगों ने नाम सुना होगा वो सब कुछ इसमें ईजिली इंसर्ट किया जा सकता है पेन ड्राइव लगाया और वायरस कंप्यूटर में ट्रांसफर हो गया ठीक है आपने कोई फाइल ओपन की इंटरनेट से फाइल ओपन करते ही फाइल क्या था फाइल में आपको वायरस देखने को मिल जाएगा वो वायरस सीधा आपके कंप्यूटर में आ जाएगा तो इस तरीके की चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं दैट्स दिस इज द मोस्ट वॉल्नरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इसको माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया था फॉर दी पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए पीसी के लिए डेवलप किया था एक टाइम आया इंडिया में एक टाइम आया और वो टाइम क्या था कि जब पूरी दुनिया में कंप्यूटर की नीड बड़ी ही तेजी से बढ़ती है बहुत ही तेजी से बढ़ती है तो सेम टाइम पे दो कंपनी आती हैं एक आपका ये है माइक्रोसॉफ्ट दूसरा एप्पल है दोनों आगे पीछे करके कंपनी स्टैब्लिश होती हैं लेकिन दुनिया का सबसे बड़े मार्केट के तौर पर ये इसने अपना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है एप्पल भी है लेकिन वो बड़े एरिया कवर नहीं करता है हालांकि उसके डिवाइसेस काफी महंगे होते हैं काफी कॉस्टली होते हैं सुनने में तो ये भी आया था कि जब आईफोन लॉन्च होता है लोग बड़े बड़े मीम बनाते हैं कि इस बार का आईफोन लेने के लिए तो एक किडनी से काम नहीं चलेगा दोनों किडनी जो है वो बेचनी पड़ेगी तब जाकर के आईफोन कौन सा थर्टीन जो आया है वो आदमी ले पाएगा तो बड़े बड़े मीम बनते हैं इसके ऊपर क्योंकि उसके डिवाइसेस बड़े महंगे होते हैं ये क्या है अफोर्डेबल प्राइस पे आपको चीजें प्रोवाइड करता है दैट्स वाई हर कोई इसे यूज कर पाता है तो ये एक्सेसिबिलिटी है फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी ये प्रोवाइड करता है आपको दैट्स वाई अब यहां पर देखें तो इसका इस पहली कंपनी थी ये जो आप देख रहे हो ना इसका नाम है जी यू आई ग्रेफिकल यूजर इंटरफेस और दुनिया का सबसे पहला सबसे पहला जो जी यू आई बनाया था वो यहीं से बनकर के आया था ठीक है तो इसने सबसे पहले बनाया और उसके बाद मार्केट में इसको उतारा लगभग दुनिया के 90% परसेंट जो पर्सनल कंप्यूटर्स है ना वो इसी वर्जन पे रन करते हैं 1975 में बिल गेट्स और पॉल जी एलन ने मिलकर के दो फ्रेंड्स थे जिन्होंने मिलकर के इस बड़ी सी कंपनी को स्टैब्लिश किया ठीक है तो फर्स्ट वर्जन जो विंडो का था वो रिलीज हुआ था 1985 में माइक्रोसॉफ्ट का फिर उसके बाद लगातार इसमें चीजें इनबिल्ट होती चली गई अपडेट होती चली गई और कुछ इस तरीके से विंडोज क्या था सबसे पहले ऐसा दिखता है फिर इस तरीके से अपडेट होता है फिर ऐसे अपडेट होता है फिर नया जियो वाई फिर एक्सपी आता है फिर विस्टा आता है फिर सेवन आता है फिर एट आता है फिर टेन आता है अभी कौन सा वर्जन चल रहा है भगवान जाने अपडेट होता ही रहता है ठीक है तो देखो इसके फीचर्स एमएस MS DOS डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में एमएस डॉस का फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में क्या है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अब देखो इसने अलग अलग टाइम पे अलग अलग विंडोज के वर्जन निकाले थे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है अलग अलग वर्जन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अरे लिनक्स नहीं यूज कर सकते ना बैंक वाले बैंक वालों को सिंपल चीजें यूज करनी होती है अच्छा बताओ आपको और मुझे क्या काम है कंप्यूटर का पढ़ाई करने के लिए आपको पढ़ाने के लिए मुझे है ना मैं कंटेंट तैयार करता हूं कंप्यूटर पे अब वहां पर क्या है वहां पर ज्यादातर प्रोफेशनल वर्क होता है कोई एप्लीकेशन डेवलप करना हो कोई चेंज करना हो किसी तरीके की हैकिंग आ, को अगर सिक्योर करना हो तो वो लोग प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं ठीक है वो हमारे जैसे या बैंकर्स तो यूज नहीं कर पाएंगे ठीक ना वो बड़ा थोड़ा सा मुश्किल टाइप का भी होता है कह सकते हैं तो देखो एम एस डॉस का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 1981 में लॉन्च हुआ था फिर विंडोज का वर्जन 1.0 से लेकर के 2.0 तक 85 से 92 तक चलता रहा इतने सालों तक ये चलता रहा फिर विंडोज 3.0 से 3.1 आता है 1990 से 1994 तक चलता रहा फिर विंडोज 95 आता है अगस्त 95 में इसलिए विंडोज 95 उसको वर्जन का नाम रख दिया गया फिर विंडोज NT 3.1 आता है 2.4.0 93 से 96 तक चलता है विंडोज 98 आता है जो जून 98 में रिलीज किया गया था फिर विंडोज ME आता है जो 2000 में रिलीज किया गया था इसको हम विंडोज मिलेनियम एडिशन कहते हैं स्पेशल एडिशन था ये विंडोज ME विंडोज 2000 आता है फेब्रुवरी 2000 में और इसका सबसे पॉपुलर वर्जन आया फिर विंडोज एक्सपी मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग वर्जन ऑफ विंडो एक्सपी हर किसी के पास डेस्कटॉप था तो एक्सपी उसमें इंस्टॉल था ठीक है ये कब आता है 2001 में आता है अभी एक्सपी बंद हो चुका है अब ये वर्जन नहीं चलता है फिर विंडोज विस्टा आया 2006 में विंडोज 7 आता है अक्टूबर 2009 में मैं जब से कंप्यूटर यूज कर रहा हूं विंडोज सेवन से यूज कर रहा हूं जब से मैं कंप्यूटर यूजर हूं आई डोंट नो बट मैंने यहीं से शुरू की थी फिर विंडोज एट जब आया तो 2012 का टाइम था फिर विंडोज टेन आया था जुलाई 2015 में वर्जन भी पूछ सकते हैं ठीक है वर्जन भी पूछा जा सकता है ठीक है आईसीटी को इन डेफ में तो नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगा ठीक है ना बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है चलो अब आगे चलते हैं विंडोज के बाद देखते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ये रहा आपका आईफोन ये भी क्या है मैक ओएस पर बेस्ड है हालांकि विंडोज ने भी मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था लैपटॉप पे भी पीसी पे भी और मोबाइल पे भी नोकिया आप लोग को ध्यान होगा जब माइक्रोसॉफ्ट के नाम से मार्केट में मोबाइल फोन आ गया था नोकिया का नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट को दे दिया माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज वर्जन uh, को ऑपरेटिंग सिस्टम को एंड्रॉयड की जगह पर इस्तेमाल किया काफी पॉपुलर हुआ था काफी फैसिनेटिंग भी था कि भाई मोबाइल में कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं फिर बाद में इसको बहुत ज्यादा लोगों ने हाथों हाथ नहीं लिया ठीक है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओ एस इसको बुलाते हैं फुल फॉर्म है ये किसने डेवलप किया था ये भी एक अमेरिकन कंपनी है एप्पल ने इसको डेवलप किया था ठीक है एटी 1984 में इंट्रोड्यूस हुआ था और कंपनी ने इसको बेसिकली पर्सनल कंप्यूटर के लिए ही डेवलप किया था राइट पर्सनल कंप्यूटर के लिए डेवलप किया था और यह ने अपना खुद का जो जियो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था इसको डेवलप किया और फिर उसके बाद इसने एक तरीके से कहा जाए तो अपना ओरिजिनल मैके जनवरी 1984 में रिलीज किया तो उसके बाद इन्होंने सबसे पहले इन्होंने लीजा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन लॉन्च किया फिर जेरोक्स पार्क ऑल्सो कंप्यूटर इस तरीके के कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं फिर बाद में इन्होंने मैक ओएस को यानी कि मैक ओएस टॉश को आ, इन्होंने अपना प्रोग्राम जो था सिंपल या सिस्टम सॉफ्टवेयर सिंपली सिस्टम का इन्होंने इसको शुरू किया था लेकिन बाद में फिर बंद कर दिया लेकिन इनका कंप्यूटर उतना नहीं बिका जितना कि इनके मोबाइल फोन एक टाइम आता है 2007 में जब एप्पल अपना मोबाइल फोन लॉन्च करता है मार्केट में छोटा सा मोबाइल फोन ये लॉन्च करता है पहले तो इन्होंने अपने इंडस्ट्री को कंप्यूटर के फील्ड में बढ़ाया बाद में ये मोबाइल इंडस्ट्री में भी आ जाते हैं तो मोबाइल इंडस्ट्री में आते ही इन्होंने क्या किया कि अपना अपना दबदबा बनाना शुरू किया और 2007 में मोबाइल लॉन्च किया उसके बाद इन्होंने आईफोन के बाद आईपैड टैबलेट कंप्यूटर लॉन्च किया इस तरीके से ये लॉन्चेस ये करते चले गए और लोगों ने इसको काफ़ी ये कुछ इस तरीके से दिखता है मैक ओएस का ये लैपटॉप है ये इनका टैबलेट है या हम कह सकते हैं ये इनका मोबाइल फ़ोन है तो कुछ इस तरीके से इन्होंने अपने इन को डेवलप किया आजकल ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका है इस तरीके के मोबाइल को रखना इस तरीके के लैपटॉप को यूज करना तो लोगों में एक थोड़ा ये भी बड़ा क्रेज बना हुआ है इस बात का ठीक है ठीक है ना तो ये हो गए आपके कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ लिए कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स पढ़ा यूनिक्स पढ़ा कंप्यूटर के जनरेशन पढ़े माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हम लोगों ने पढ़ा ठीक है एक कंपैरिजन है लिनक्स और विंडोज के बीच में तो यह भी समझ लेते हैं लिनक्स क्या है एक ओपन सोर्स फ्री टू यूज है जबकि विंडोज इज नॉट ओपन सोर्स एंड इज नॉट फ्री टू यूज आपके लैपटॉप में देखो क्या है क्रैकड वर्जन है या फिर आपके लैपटॉप में कहीं ओरिजिनल है क्या है इंडिया में ज्यादातर लोगों के लैपटॉप में क्रैक्ड वर्जन ऑफ कंप्यूटर ही है ओरिजिनल प्री इंस्टॉल्ड जो आता है वो नहीं है क्योंकि अगर इसका सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल्ड आएगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है उसके पैसे बढ़ जाते हैं इसीलिए कम पैसों में लैपटॉप अवेलेबल होता है ऑन दी क्रैक्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कोई रजिस्टर्ड की नहीं होती है फिर उसी की के पैसे लगते हैं और फिर उसका रजिस्ट्रेशन हो पाता है ठीक है विंडोज क्या है विंडोज <coughs> पूरी तरीके से फ्री नहीं है लोगों को लग सकता है कि विंडोज तो हम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं बट ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है सिक्योरिटी यहां पर बहुत अच्छी होती लिनक्स में बट विंडोज में बहुत कम सिक्योरिटी होती है हालांकि विंडोज डिफेंडर इस बात को कहता है कि हमारा कंप्यूटर सेफ है बट ऐसा होता कुछ भी नहीं है ठीक है चलिए ये तो हो गया आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ और चीजें हैं चलो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं जैसे कि इन सब चीजों को भी अरे <laughs> नहीं विंडो बंद है चलो देखो बेसिक कंप्यूटर कंपोनेंट तो कंपोनेंट में देखिए कई सारे हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ाऊंगा अभी इसको नहीं पढ़ेंगे इसके लिए अलग से यहां पर हम देखेंगे पोर्ट्स वगैरह के बारे में सुनेंगे क्योंकि ये इनपुट आउटपुट डिवाइस से ना क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं इसको करेंगे अलग से आज नहीं करेंगे हम समझेंगे पोर्ट्स वगैरह की पोर्ट क्या होता है जैसे आप लोगों के पास कंप्यूटर में कई सारे पोर्ट्स आते होंगे जिसमें आप अपने यूएसबी वगैरह को कनेक्ट करते हैं ठीक है जो केबल्स वगैरह डेटा केबल्स वगैरह उनको कनेक्ट करते हैं तो वो पोर्ट्स कहलाते हैं तो पोर्ट क्या है पोर्ट इज अ कनेक्टिंग सॉकेट आउटसाइड द सिस्टम इन टू विच डिफरेंट टाइप ऑफ केबल आर प्लग्ड जो आपके केबल्स होते हैं उन केबल्स को हम पोर्ट्स में प्लग करते हैं देखोगे ना अपने लैपटॉप के साइड में लेफ्ट साइड राइट साइड या बैक साइड देखोगे आप फ्रंट में भी हो सकता है वो पोर्ट्स होते हैं पोर्ट्स कई तरीके के होते हैं आपको बताता हूं पोर्ट्स कितने तरीके के होते हैं चलो दिखाता हूं ठीक है देखो सबसे पहले देखो ये पोर्ट्स हैं दिख रहा है पिक्चर आर दी पोर्ट्स ये भी पोर्ट है ये भी पोर्ट है, 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 है बस इसमें अंतर क्या है ये सीरियल ये पैरल पोर्ट है काफी पैरल इसमें देखने को मिलते हैं और ये सीरियल पोर्ट है ठीक है हम लोग जो कॉमन पोर्ट्स यूज करते हैं अपने लैपटॉप में वो ये सारे पोर्ट्स हैं दिख रहा है इन सबके नेम अलग अलग हैं। जैसे आजकल मार्केट में कौन सा जो डेटा केबल है या मोबाइल चार्जर चल रहा है टाइप सी बहुत चल रहा है है ना कि आपके मोबाइल में टाप, टाइप सी चार्जर दिया जा रहा है ये है देखो यूएसबी टाइप सी चार्जर ये भी पोर्ट्स होते हैं आप इसमें यूएसबी टाइप ए नहीं लगा सकते यूएसबी टाइप ए में क्या आता है सिंपल जो आपके यूएस बी ड्राइव्स होते हैं वो आ सकते हैं ठीक तो ये यूएसबी टाइप ए होता है और ये क्या हो जाएगा जो आप कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल फोन में चार्जिंग पॉइंट जो होते हैं वो यूएस बी मिनी बी होता है मैं आपको वो ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं जो आप लोग डेली यूज करते हो फिर ये यूएसबी माइक्रो बी हो जाएगा तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स होते हैं और डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स की अपनी स्पेशलिटीज होती है क्यों ऐसा होता है क्योंकि डेटा ट्रांसफर जो आंकड़े होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं स्थानांतरित होते हैं तो डेटा ट्रांसफर का रेट वैसा ही होता है यूएसबी टाइप सी फास्टेस्ट है ये सबसे फास्ट डेटा ट्रांसफर करता है और मोबाइल को चार्ज भी करता है चलिए यूएसबी का फुल फॉर्म बताइए आप लोग ठीक है अब देखो कितने टाइप के पोर्ट्स होते हैं एक हो गया पैरेलल पोर्ट सीरियल पोर्ट यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी को भी उसी में लाते हैं हम मैंने आपको बता ही दिया इसके अलावा स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस एस सी पोर्ट भी होता है ठीक है तो ये सब क्या है ये आपके पोर्ट्स वगैरह हो गए राइट ये हो गया आपका पोर्ट इसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये कीबोर्ड वाला कवर किया जाएगा दूसरे क्लास में क्योंकि मुझे इनपुट आउटपुट आप लोग को बताना ही है ठीक है बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं कंप्यूटर मेमोरी भी पढ़ना है चलो ये तो आज मैंने बता दिया था कि आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे ठीक है आज यहीं तक पढ़ते हैं ठीक है ना आज अपनी क्लास यहीं तक करते हैं ठीक है कल इसके आगे से पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ाऊंगा ओके आया समझ में क्योंकि आज शुरुआत किया है हम लोगों ने और बहुत सारा क्लास आज हुआ है पूरे दिन से पढ़ा रहा हूं आज यहीं तक पढ़ते हैं कल इसके आगे पढ़ाऊंगा मेमोरी से शुरू करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे और मेमोरी से शुरू करेंगे मेमोरी खत्म करेंगे क्योंकि मेमोरी से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ठीक है इनपुट आउटपुट आउटपुट डिवाइसेस की लिस्ट भी दिखाऊंगा बताऊंगा क्या कैसे देखने को मिलता है इसके अलावा इसमें जो एप्लीकेशन बेस जो होते हैं वो भी कवर किया जाएगा ठीक स्पेशली मेमोरी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं रैम रोम ठीक है कैश मेमरी इंटीग्रेटेड मेमरी ये सब क्या होता है सब कुछ कवर किया जाएगा आज यहीं तक ठीक है क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्लास पसंद आया हो तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा शेयर करिएगा अपने दोस्तों को चैनल पे पहली बार आए बनाएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ठीक है मिलते हैं कल सुबह अन अकेडमी प्लस पे और नौ बजे और दिन में बारह बजे स्पेशल क्लास अन अकेडमी पे ही ठीक है बारह बजे और तीन बजे फ्री क्लासेस होती हैं आप लोग किया करिए देखो ये हैं फ्री क्लासेस ठीक है ना आप आपकेडमी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ये अनकेडमी स्पेशल क्लासेज हैं ये आपको दिन में बारह बजे मिल जाएंगी ठीक है जोग्राफी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और ये वाला जो है पेपर वन का है ठीक है ये तीन बजे होता है थ्री पी पे चलिए आज के लिए इतना रिवीजन काफी है कल से फिर पढ़ेंगे और कल से फिर चीजों को आगे कवर किया जाएगा ठीक है चलो थैंक यू सो मच एवरीवन सी यू टुमारो टेक केयर बाय